बहुत से लोगों ने कमेंट्स में हमें कहा कि फर्स्ट एड पे एक वीडियो बनाइए, तो साहिल ने आज एक ट्रीटमेंट करना है और उसकी मदद से मैं आपको थोड़ा फर्स्ट एड के बारे में बेसिक सी जानकारी दूंगा। तो आइए चलते हैं लार्ज एनिमल रिकवरी एरिया में। इस समय क्या है कि साहिल पहले वाली बैंडेज हटा रहा है, तो जब आपको कोई जानवर मिलेगा तो उसकी चोट कुछ ऐसी दिख रही होगी, तो आप देखेंगे इसमें थोड़ा पस पड़ा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप इज कि आपको कॉटन लेना है। हमने क्या कर रखा है, एक स्प्रे बॉटल में बीटाडीन डाल रखी है और वो हम वूंड पे उस पर स्प्रे करना आसान हो जाता है। बीटाडीन आपको बाजार में मिल जाती है, छोटी बॉटल भी मिलती है, बड़ी बॉटल भी। तो अब इस बीटाडीन वाली कॉटन से ये जो वूंड है ये क्लीन होगा। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जितनी पस हो सके आप हटा सकें। अगर कोई डेड आपको फ्लैश दिख रहा है तो आपको वो भी हटाना पड़ेगा। एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि साहिल ने लेटेक्स ग्लव्स पहन रखे हैं, ये डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं। इससे क्या है कि इन्फेक्शन के चांसेस और रिड्यूस हो जाएंगे। बेसिकली जब आप वूंड को ट्रीट कर रहे हैं तो आपका जो मेन काम है वो है वूंड को क्लीन रखना, उसके बाद हीलिंग जो है वो नेचुरली होती है। अब जो सेकेंड स्टेप है वो है इस पर बीटाडीन ऑइंटमेंट अप्लाई करना। तो जैसे ये जो एक वूंड है ये काफ़ी बड़ा वूंड है और इस स्टेज पे इसकी बैंडेजिंग बहुत ज़रूरी है ताकि ना इसमें डस्ट जाए ना इसमें फ्लाइज बैठें, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमने इस पर बीटाडीन ऑइंटमेंट लगा दिया है। इसकी जगह आप चाहें तो लोरेक्सेन करके एक क्रीम आती है वो भी लगा सकते हैं। थर्ड स्टेप है वूंड की बैंडेजिंग करना। इसमें आप पट्टी का पहले एक पैड बना लेंगे। वैसे गौज पैड बने बनाए भी मिलते हैं पर पट्टी का पैड बनाना आपके लिए थोड़ा सस्ता रहेगा। अब ये पट्टी बांधते हुए आपको ध्यान रखना है कि ये इतनी ढीली ना हो कि उतर जाए, पर इतनी टाइट भी ना हो कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए। टाइट होगी तो आपको पता लग जाएगा क्योंकि एक दिन के अंदर अंदर वहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी। खासकर गर्मियों और बरसात के मौसम में मक्खियों का बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर मक्खियाँ वूंड पे बैठी या वूंड के आसपास भी बैठी तो वो अंडे दे देंगी, वही अंडे मैगेट्स में तब्दील हो जाते हैं और वो जानवर को ज़िंदा खाना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए जब जैसे बैंडेजिंग हो जाएगी तो इसके बाद आप टॉपी क्योर करके जो स्प्रे है वो थोड़ा आसपास स्प्रे कर सकते हैं, या आप पाइन ऑयल है या टर्पेंटाइन ऑयल है वो उसके आसपास लगा सकते हैं और उसकी स्मेल से जो है मक्खियाँ नहीं बैठती। पट्टी ऊपर टिकी रहे इसके लिए आप या तो इसके ऊपर आप डॉक्टर टेप लगा सकते हैं, या जैसे साहिल करेगा इसी को ही काट के आपस में बांध देगा। अब सारी बैंडेजिंग करने के बाद हमने ऊपर से बीटाडीन स्प्रे कर दिया इसमें। इसमें ये गीला रहेगा और इसमें उसको जब हील हो रहा होगा वो तो खारिश नहीं रहेगी, तो चांसेस कम है कि वो अपनी पट्टी उतारने की कोशिश करे। Yeah.